दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्तनियों। महाराष्ट्र में अभी अभी उद्धव ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अब जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके उनके ही पार्टी के नेताओं को काफ़ी बड़ा झटका लग चुका है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पिछले काफ़ी टाइम से जब से महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है, तब से लगातार उद्धव ठाकरे गुट साथ में ही अलग अलग पार्टियों, बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे गुट का नेता हो, सभी ने को लेकर कुछ न कुछ जो बड़ी अपडेट है वो आ रही है। कुछ जो है आपस में ही विद्रोह कर रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को 5 बागी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन वापस नहीं लिए थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और जिन नेताओं को उनके द्वारा निष्कासित किया गया है, उनका नाम है भिवंडी पूर्व के विधायक रुपेश मात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत गोगुल, संजय आवारी और प्रसाद ठाकरे। ये सारे के सारे नेता शामिल हैं जिनको उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे ने जो नाम दिए थे उसके खिलाफ में जाकर अपनी तरफ से पर्चा भरा, और उन उद्धव ठाकरे के द्वारा उनको मौका दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस नहीं लिया। महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की NCP शामिल है, तो इनमें से 14 नेताओं ने पार्टी के आदेश की अवहेलना करते हुए नामांकन दाखिल किया था। सोमवार की समय सीमा तक अपना नामांकन वापस लेने वालों में कांग्रेस के मुख्तार शेख भी शामिल थे, जिन्होंने पुणे के कस्बा पेट विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम वापस ले लिया है और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर को अपना समर्थन देने की घोषणा की है, जिसके बाद कांग्रेस में थोड़ा बहुत तो कुछ ठीक होता दिखाई दिया। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे और NCP शरद पवार की पार्टी में ऐसा कुछ भी ठीक होते हुए नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पार्टी के बागी 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मैं जब आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।